नमस्कार, स्वागत है आपका बात विभाग में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्याय। बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है, बहुत कम ऐसा मौका आता है कि जब नाम से व्यक्तित्व मेल खाता हो, और बहुत कम लोगों के साथ ऐसा होता है कि उनका नाम और उनका स्वभाव या उनका आचरण जो है वो दोनों में एक समानता दिखे। एक पार्टी बिहार में है, वीआईपी, विकासशील इंसान पार्टी, शॉर्ट में वीआईपी उसको कहते हैं। एक ऐसी घटना हुई है जिसने बताया कि बहुत सोच समझकर इस पार्टी का नाम वीआईपी रखा गया है, क्योंकि ऐसे तो उसे विकासशील इंसान पार्टी कहा जाता है, लेकिन वीआईपी कल्चर का शायद नशा इतना ज्यादा है इस पार्टी के ऊपर कि मंत्री तो मुकेश सहनी है जो कि पार्टी के प्रमुख हैं, लेकिन वीआईपी कल्चर का नशा देखिए कि मंत्री जी को जिस कार्यक्रम में जाना था वो नहीं जाते हैं, और उनके जो भाई हैं वो उठते हैं, और अचानक से उनके मन में शायद ये इच्छा जाग गई कि क्यों नहीं मंत्री वाला रुतबा रुआब मैं ही हासिल कर लूं, तो बैठ जाते हैं अपने भाई साहब की गाड़ी में और चल पड़ते हैं पूरे लाव लश्कर के साथ उस कार्यक्रम में जो एक सरकारी कार्यक्रम था जहां पर पहुंचना था मंत्री मुकेश सहनी को। लेकिन पहुंच गए उनके भाई, और वो भी पूरे जलवे के साथ। वहां न सिर्फ पहुंचते हैं बल्कि उस कार्यक्रम में जाकर जो औपचारिकता मंत्री जी को पूरी करनी थी, जो सामान लोगों को बांटना था, वो मंत्री जी के भाई कर गए। अब इसके बाद बवाल हो गया क्योंकि विपक्ष ने कहा कि मंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह मजाक है कि आप लाव लश्कर मंत्री का इस्तेमाल करते हैं, सरकारी गाड़ी पर बैठ जाते हैं और चल पड़ते हैं उसी काफिले के साथ जो सरकार की तरफ से मंत्री के लिए उपलब्ध कराया गया है। अब यह वीआईपी कल्चर का नशा नहीं है तो क्या है? इस पर हम चर्चा करेंगे। आप एक रिपोर्ट देखिए और फिर बात करेंगे विपक्ष से और सत्ता पक्ष से। मंत्री का भाई बना सरकारी, मंत्री बनकर बांटा सामान, करतूत से सीएम हुए हैरान। हैरान होने वाली बात ही है, जिस सरकारी कार्यक्रम में मंत्री को होना चाहिए था वहां मंत्री के भाई सरकारी बनकर सामान वितरण कर रहे हैं। ये तस्वीर हाजीपुर से आई है। अक्षयवट स्टेडियम में मछुआरों के लिए सुख सुविधा के लिए मंत्री जी को आइस बॉक्स, मोपेड, थ्री व्हीलर और फोर व्हीलर का वितरण करना था। इस सरकारी कार्यक्रम में मंत्री जी को शामिल होना था, लेकिन शामिल हुए उनके भाई, और मंत्री बनकर सामान का वितरण भी किया। जैसे ही ये खबर अखबारों में, मीडिया में आई तो सियासी तूफान खड़ा हो गया। विधानसभा में मंत्री के इस्तीफे की मांग होने लगी। उस कार्यक्रम में वो पहुंचे नहीं, और उनके गाड़ी से उनके भाई, शायद संतोष सहनी नाम था, वो मंत्री की सीट पर बैठे, और जितने पदाधिकारी थे वो उनको मंत्री जैसा ट्रीट कर रहे थे। इन्होंने मेरे पास अभी अखबार की प्रति भेज दी है, इसको हम देख रहे हैं। मुझे मालूम नहीं था, लेकिन ये आश्चर्यजनक। मैं तो पूरी बात करूंगा, क्या मामला है जरूर देखूंगा। ये काम किसी मंत्री का नहीं है। विपक्ष के इस हमले से सरकार बैकफुट पर आ गई। सीएम ने खुद भरोसा दिया कि वो मामले को देखेंगे, तो बीजेपी की बोलती बंद है। इस बीच मंत्री जी खुद सामने आए, लेकिन जवाब देने के बजाय विपक्ष से ही सवाल पूछ लिया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में उस मामले में स्पष्ट रूप से बयान दे दिया, इसलिए आपको संतुष्ट हो जाना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी का जब बयान आ गया, सब अभी विपक्ष है तो कुछ न कुछ तो आवाज उठाएंगे। जाना चाहिए था उनको सर, सदन में जा रहे हैं। मंत्री जी भले सफाई दे दे, विपक्ष पर सवाल भी उठा ले, लेकिन हाजीपुर में जो हुआ उसे कोई भी सही नहीं कह सकता। सरकार ने आपको चुना है विभाग चलाने के लिए, न कि भाई बंधु को राजनीति में लाने के लिए। पर मुकेश सहनी क्या कर रहे हैं? खुद मंत्री बन गए हैं, अब भाई को सेटल करने में जुटे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर उनसे चूक हो गई कि सरकारी कार्यक्रम में भाई को ही मंत्री बनाकर भेज दिया। कार्यक्रम में वहाँ पे कुछ फोटो वोटो निकला है, मैं आने वाले समय में इस पे ध्यान रखूंगा, इस तरीके से नहीं हो, और इस तरीके अगर लोगों को अगर तकलीफ है तो खेद प्रकट भी करता हूँ कि आगे भविष्य में इस तरीके से ना हो। आशुतोष के साथ रुपेंद्र, जी मीडिया, पटना। तो
आपने देखा कि किस तरह से मंत्री जी के काफिले के साथ और मंत्री जी के कार्यक्रम में पहुंच गए मंत्री जी के भाई। हम चर्चा करेंगे और जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं उनसे आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर विवेकानंद पासवान जुड़ गए हैं। इसके अलावा हमारे साथ प्रोफेसर सुबोध मेहता, आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं, और कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौड़ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। चूंकि वीआईपी पार्टी को भी हमने इसमें कार्यक्रम में बुलाया है लेकिन अभी वो पहुंचे नहीं हैं, उम्मीद करते हैं कि वो आएंगे। बीजेपी की तरफ से विवेकानंद पासवान जी हैं। विवेकानंद पासवान जी, आपसे ही मैं सवाल लेता हूं, चूंकि आपके गठबंधन का मामला है, ये किस तरह का कल्चर है और किस तरह की संस्कृति है? क्या ये सत्ता का मजाक, सत्ता का दुरुपयोग नहीं है कि एक मंत्री जो सरकारी कार्यक्रम में जाने वाले होते हैं वहां पर पहुंच जाते हैं मंत्री जी के भाई, और वो भी खुद से अपनी गाड़ी से नहीं जाते, वो पूरे लाव लश्कर के साथ उसी जलवे के साथ पहुंचते हैं मानो वो खुद मंत्री बन गए हो? विवेकानंद जी, आपसे सवाल है मेरा। चलिए, लगता है विवेकानंद जी का फोन डिस्कनेक्ट हो गया है। हम एक बार सुबोध जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे विपक्ष से ही शुरुआत करते हैं। सुबोध जी, आप बताइए जरा, ये क्या मामला, क्या आपको लगता है कि ये ऐसे ही इग्नोर किया जाए इस बात को? देखिए, सरकार जो है लुंज पुंज से नहीं चलती है, सरकार चलती है विधि विधान और संविधान से। संविधान ने राज्यपाल महोदय को पावर डेलीगेट किया है, राज्यपाल महोदय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को पावर डेलीगेट किया है। अगर एक मंत्री जो है अगर उसमें से प्रोसीड्योर को फॉलो नहीं करता है तो इंडिविजुअली नहीं, कलेक्टिवली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबिलिटी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की है। अगर जिस तरीके से मुकेश साहनी जी खुद भी कह रहे हैं कि लैप्सेस हुई है, और माननीय मुख्यमंत्री जी भी सदन में कह रहे हैं कि ये जो है आश्चर्य की बात है। हाँ। तो ये देखिए, नीतीश कुमार जी का जो है ये डेवलपमेंट का जो मॉडल है, सुशासन का जो मॉडल है, ये मॉडल पिछले मैं 15 सालों से देख रहा हूँ। ये उस मॉडल का प्रयोग करते हैं जिस मॉडल में 70, 80 और 90 के दशक में वैश्वीकरण आने के पहले ये मॉडल फॉलो किया जाता था। जितना भी इनका फ्लैगशिप प्रोग्राम देखिए पिछले 5 सालों में या उससे पहले भी, चाहे कृषि रोड मैप हो, चाहे 7 निश्चय हो या जल जीवन हरियाली हो, ये तीनों का जो बजट आप कीजिएगा तो लगभग ये 4.5 लाख करोड़ का बजट है पिछले 5 सालों का मैं कह रहा हूं। और इनका जो क्रियान्वयन देखिएगा आप तो 12 डिपार्टमेंट, जल जीवन हरियाली में 12 डिपार्टमेंट, 7 निश्चय में 12 डिपार्टमेंट और कृषि रोड मैप में 12 डिपार्टमेंट, ये इस तरीके का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम 12 डिपार्टमेंट मिलके करेगा तो जो है ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है फिक्स नहीं की जा सकती। मुद्दे पर रहेंगे, इस मुद्दे पर ही बात करते हैं। इसी मुद्दे पर मैं कह रहा हूँ, नेपटिज्म और फेवरेटिज्म, ये जो है भाई भतीजावाद जो है चरम सीमा पर है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। जो ये प्रोग्राम में जा रहे थे मछली पालकों के लिए जो वितरण करना था सामग्री, ट्राई साइकिल, बाई साइकिल और आइस बॉक्स और जो है और वैन करना था, हमें कैसे पता कि वो किन लोगों को मिला? माननीय मंत्री जी को एक प्रोसीड्योर के तहत जो है वहाँ पे क्रिया इनको यहाँ पे प्रोग्राम को उद्घाटन करना था। उसके बाद आप देखते हैं कि वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन को भी ये जो है इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए था, एडमिनिस्ट्रेशन भी टोटल कोलैप्स हो गया, मंत्री नहीं है, मंत्री के भाई पहुंचे। इस कारण बस मैंने तीनों फ्लैगशिप प्रोग्राम का किया कि जो गवर्नेंस का जो मॉडल है इनका, सुशासन का जो मॉडल है, ये मॉडल जो है विलुप्त हो चुका है पूरे दुनिया से। ठीक है, विवेकानंद पासवान इस पर रखेंगे क्योंकि सत्ता पक्ष से वही है। विवेकानंद जी, बताइए जरा, इसे किस तरीके से देखा जाए, क्या नजरअंदाज कर दिया जाए इतनी बड़ी चीज को कि क्या यह सत्ता का दुरुपयोग या सत्ता का मजाक नहीं है? आवाज़ें नहीं आ रहा है विवेकानंद जी, आप हमारी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं। नहीं, आवाज नहीं आ रहा है। अभी आ रही है हमारी आवाज? हाँ जी जी जी, हाँ बताइए, ये सत्ता का दुरुपयोग नहीं है तो क्या है? ये सरकारी कार्यक्रम में मंत्री जी के भाई को चला जाना ये दुर्भाग्य है, जिसके लिए मुख्यमंत्री जी भी संज्ञान में लेके इस पर आश्चर्य व्यक्त किए और मंत्री को तलब किए। मंत्री का भी सफाई आ गया, उन्हें माफी भी मांगी, तो हो गया, कहा भी जो आइंदा से हो गया, मतलब काम खत्म, लीपापोती हो गई। लेकिन मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ
जो आज हाउस को भड़गला रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं। नहीं, क्या डिस्टर्ब कर रहे हैं विवेकानंद पासवान जी? मतलब मंत्री जी ने पहले ये कहा कि विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है, विपक्ष बेतुकी बात कर रहा है, और बाद में जब उन्हें लगा कि मामला तूल पकड़ रहा है तब आकर कहते हैं कि मैं खेद प्रकट कर रहा हूं, और आपको लगता है कि लीपापोती कर देते हैं, मामला खत्म। मतलब मामला खत्म, मंत्री जी ने कह दिया मामला खत्म, मंत्री जी के भाई मंत्री बन के पहुंच जाते हैं, मामला खत्म। इससे ज्यादा अब क्या बोलू, नहीं मामला खत्म, लेकिन उन लोगों को मैं कहना चाहता हूँ जिन लोगों को आप मुकेश सहनी और उनके भाई पर बात करिए ना, जो आज विरोध जो आज हंगामा कर रहे हैं, इस्तीफा मांग रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ जो पत्नी को मुख्यमंत्री बना के कैसे सरकार चलाए, साला से कैसे आईएएस आईपीएस को टॉर्चर करे, बिहार की जनता उस दिन को भी नहीं भूला। भाई साहब मंत्री मुख्यमंत्री बनाया था ना, मुख्यमंत्री बनाया था ना, ऐसा नहीं था ना कि मुख्यमंत्री को जिस कार्यक्रम में जाना था उसमें किसी और को भेज दिया। जिस तरह मुख्यमंत्री बनाकर बिठाया था ना, थोड़ा भी छींटा पड़ने पर दिखाई देता है, उसी तरह सरकार पूरा साफ और स्वच्छ है। स्वच्छता तो दिख रही है, स्वच्छता तो वाकई दिख रही है कि सरकार साफ है, वो दिख रही है। राजेश राठौर साहब ये आरजेडी पर निशाना साध रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव ने अपनी पत्नी को मंत्री बना दिया था, ये निशाना उनका वहां पर है। राठौर साहब सुन पा रहे हैं आप? चलिए, लगता है कुछ तकनीकी समस्या है, मैं फिर कहूंगा टेक्निकल टीम से, प्लीज चेक करिए क्या दिक्कत है। सुबोध जी देखिए, ये आरजेडी पर निशाना है। देखिए ये जो बातें कह रहे हैं ना, इनके पास जवाब कुछ नहीं है। ये 20वीं सदी की बात 21वीं सदी में कर रहे हैं। उस वक्त राबड़ी देवी जी जब मुख्यमंत्री बनी थी तो विधि विधान और संविधान के जितने जो पैरामीटर्स हैं उनको देखते हुए उनको बनाया गया था। और यहाँ पे जो संतोष साहनी जी जो गए हैं और वहाँ पे वितरण किया है उन्होंने, और जाना चाहिए था मुकेश साहनी जी को, उनका जो है सरकारी प्रोग्राम लगा हुआ था, तो ये जो पूरा फेवरेटिज्म और नेपटिज्म, जैसे मैंने बोला कि भाई भतीजावाद जो है चरम सीमा पे है बिहार में, और भाई भतीजावाद के कारण जो है यहाँ पे करप्शन पूरा जो है, तीनों फ्लैगशिप प्रोग्राम में भी मैं जिक्र कर रहा हूँ कि यहाँ पे तीनों में ही ये करप्शन भरा हुआ है। सिर्फ ये जो है पॉलिटिकल अपरेटस की बात मैं नहीं कह रहा हूँ, इसके साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव अपरेटस भी है, वो भी इसमें इन्वॉल्व है। किन लोगों को वो ट्राईसाइकिल बाईसाइकिल और ये जो सामग्री है उन लोगों को मिला, कौन है वहाँ पे जो मछली पालक है, तो ये सारा जो है एक जांच का विषय है। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होता है हाउस को, हाउस के लीडर मानिए मुख्यमंत्री जी हैं, इससे एकदम प्रतीक होता है कि मुख्यमंत्री लाचार और बेबस हो। अच्छा, विपक्ष इस्तीफा मांग रहा है मुख्यमंत्री जी, जो शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, ये बिहार के मासूम जनता के ऊपर ये जो है इस तरीके का शब्द का प्रयोग, इतनी हल्की शब्दों का प्रयोग, इतना मेजर प्रोसीड्योर लैप्स हुआ है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है रिस्पॉन्सिबल है, उसका मुखिया जो है मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री और जनता के बीच में डेफिसिट है, मुख्यमंत्री और जनता के बीच में। ठीक है, राजेश राठौर साहब आवाज सुन पा रहे हैं आप? आवाज पहुंच रही है आप तक? विवेकानंद पासवान जी आप आवाज सुन पा रहे हैं? मुझे कोई आवाज नहीं आ रहा। कनेक्शन आया था, बताएं। लगता है कुछ तकनीकी समस्या अब भी आ रही है लगातार। हम आपको बता दें कि चूंकि ये मामला जो है वो मुकेश सहनी से जुड़ा हुआ मामला है, जिसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं कि मुकेश सहनी ने किस तरह से अपने भाई, उनके हालांकि मुकेश सहनी कह रहे हैं कि उन्हें जानकारी नहीं थी, उन्होंने भी तस्वीर देखी है, लेकिन एक और बड़ा सवाल है कि वो कह रहे हैं कि तस्वीर देखी है, तो बिना उनके जानकारी के सुबोध जी ये पॉसिबल है कि उनका काफिला लेकर चले जाए उनके भाई? जैसा कि मैंने बोला ना आपको, जितने भी प्रोग्राम है इनका, यहाँ तो आप एक एग्जाम्पल देख रहे हैं, एक एग्जाम्पल कोट कर रहे हैं आप। पिछला जितना प्रोग्राम है, खासकर पिछले 5 सालों का जितना प्रोग्राम है, उसको आप निकालिए, निकाल कर उसका जो है मुझे लगता है कि प्रॉपर जो है ब्लैक पेपर लाना चाहिए। ब्लैक पेपर की आवश्यकता है कि ये जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है, चाहे कृषि रोड मैप का जो योजना है 1,55,000 करोड़ का है, 7 नीचे का जो प्रोग्राम है 2,75,000 करोड़ का है, और ये जल जीवन हरियाली का जो प्रोग्राम है 24,568 करोड़ का है। तो ये तीनों फ्लैगशिप और लगभग ये जो है, और 7 नीचे 2 अगर इसको जोड़ देते हैं, तो लगभग 5,00,000 करोड़ का ये योजना जो है पिछले 2015 से लेकर 2022 में पूरा ये कंप्लीट होना है। तो ये पूरा प्रोग्राम आप देखिएगा, तो यहाँ पे किन लोगों को ठेका मिला, ये प्रोग्राम कितना सक्सेसफुल हुआ,
इसमें हमें अगर तह पे जाएंगे तो देखेंगे कि ये प्रोग्राम धलातर पे उतरा नहीं है, सिर्फ पेपर पर है और बंदर बाट हुआ है। इसलिए मैं कहता हूं कि इतने डिपार्टमेंट, 12-12 डिपार्टमेंट मिलके जब काम करेंगे तो ओवरलैपिंग होगी कामों की। हमारे साथ राजीव मिश्रा खुद जुड़ गए हैं, वीआईपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, वो आ गए हैं। राजीव मिश्रा जी, स्वागत है आपका। थैंक यू। राजीव मिश्रा जी, क्या है ये वीआईपी पार्टी? जो नाम आपने चुनकर रखा था, मैंने शुरू में यही परिचय दिया कि बड़ा इत्तफाक होता है कि नाम और व्यक्तित्व पहचान दोनों मेल खा जाए, तो बहुत सही अब लगता है कि आपने सही नाम चुना है, वीआईपी। ये अलग बात है कि आप उसे फुल फॉर्म में विकासशील इंसान पार्टी कहते हैं, लेकिन मुझे तो लगता है कि वीआईपी कल्चर कुछ ज्यादा हावी हो गया। नहीं, ऐसा देखिए, ये अगर इस पूरे घटनाक्रम को आप देखेंगे जो कल क्या हुआ, क्योंकि पहले से ही वो जो एक कार्यक्रम था, वो कार्यक्रम तय था जिसमें श्री मुकेश जैन सैनी जी को जाना था। अगर आप उस कार्यक्रम के जो इनविटेशन कार्ड होते हैं, और वो बहुत बड़ा कार्यक्रम नहीं था, वो उसमें जो पिछले 2019-20 के फाइनेंशियल ईयर में जो कुछ लोगों को 90% सब्सिडी में कुछ गाड़ियां देनी थी और मोटरबाइक्स देने थे, उसका वो कार्यक्रम था और जिसमें श्री मुकेश सहनी जी को जाना था। अब चूंकि अभी यहाँ पे असेंबली चल रही है, तो उसमें और जब भी कोई इस तरह का फंक्शन होता है तो हम लोग अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को पहले भी भेजते हैं, तो उसी क्रम में कभी नहीं मैंने ऐसा कोई उदाहरण नहीं देखा। एक उदाहरण आप बताइए कि सरकारी कार्यक्रम में कोई ऐसा हो कि मंत्री या मुख्यमंत्री के भाई पहुंच जाए कार्यक्रम में वितरण करने और उद्घाटन कार्यक्रम, एक उदाहरण बताइए मुझे। मैं आपको बता दूं कि आपको यू आर मिसइंफॉर्मड, आई एम सॉरी टू से दिस, हाँ, विद ऑल फोल्डेड हैंड्स। नहीं, बताइए क्या 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 गड़बड़ कहां है, बताइए। बिकॉज यू आर मिसइंफॉर्मड, हमारे संतोष भाई वहां पे उद्घाटन करने के लिए या किसी उसमें भाग लेने नहीं, मैंने उदाहरण दिया उद्घाटन, मैंने कहा सामान का वितरण उन्होंने किया है, सामान का वितरण उन्होंने किया है सब जगह। कुछ उन्होंने नहीं किया है, उन्होंने किया है का विषय है, और ये जांच मंत्री जी के काफिले के साथ, लाभ लश्कर के साथ वो कैसे पहुंच गए? राजीव मिश्रा जी, मुझे आपने बोला ना कि होता रहा है पहले भी, आपने कहा कि पहले भी होता रहा है। बात का बतंगड़ अगर बनना होता तो मुकेश सहनी जी खेद नहीं प्रकट कर रहे होते, खेद नहीं प्रकट कर रहे होते मुकेश सहनी, अगर बतंगड़ बना होता तो। इस विषय पे नहीं क्या है खेद? एक मिनट, यू नीड टू अंडरस्टैंड। आप अंडरस्टैंड कीजिए पहले आप ये स्पष्ट करिए, आपने कहा कि पहले भी ऐसा होता रहा है, तो आप उदाहरण दीजिए, आप मुझे उदाहरण दीजिए कि किसी सरकारी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री या मंत्री के भाई को भेज दिया गया हो। हमारे यहाँ से हमारे कार्यकर्ता जाते हैं, आपके यहाँ से ना, ये आपकी पार्टी का कल्चर होगा ना, जाते हैं और वहाँ पे ऑलरेडी मुकेश सहनी जी को आना था, आप बता दीजिए। ये आपकी पार्टी का कल्चर होगा, नहीं होता ऐसा, बता दिया, नहीं होता ऐसा। कोई भी चीज जहाँ पे संतोष सहनी का नाम लिखा हो, कोई सहनी जी का, वही तो मैं भी सवाल पूछ रहा हूँ कि जब संतोष सहनी को इनवाइट ही नहीं किया गया तो पहुँच कैसे गया? संतोष बाबू को या हमारे बाकी कार्यकर्ताओं को सिर्फ बैठना था, पीछे बैठना था, ठीक है, और उन्होंने उद्घाटन नहीं किया। ठीक है, राजेश राठौर साहब, सॉरी की बात कहाँ आती है? सॉरी तो उसके लिए बोलिए जो आपने किया, सॉरी उसके लिए बोलिए जो आप लोगों ने किया। अगर किस तरह से बिहेव करते हैं ना, तो मुझे बहुत शर्म आती है। सॉरी उसके लिए आपको बोलना चाहिए, सॉरी उसके लिए बोलना चाहिए कि वो उस कार्यक्रम में लाभ लश्कर के साथ कैसे पहुंच गए। राजेश राठौर साहब, गलत हुआ है ये, गलत ढंग से पॉलिटिकली मोटिवेटेड। राजेश राठौर साहब, मुकेश सहनी कहते हैं कि मैं भविष्य में देखूंगा कि ऐसा दोबारा ना हो, और राजीव मिश्रा जी कह रहे हैं कि नहीं, बात का बतंगड़ बनाया गया, कौआ कान ले गया, और सब लोग बोलते रहे कौआ कान ले गया, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। मैं यही कह रहा हूँ सर। दो तीन बात अभिषेक जी स्पष्ट है। एक तो यह ना, बल्कि सरकारी नियमों की धज्जियां उड़ाई गई, अनेक परंपराओं को तोड़ा गया है,
और यह अपराध के श्रेणी में आता है नंबर एक। और मुख्यमंत्री के ऑफिशियल स्टेटमेंट का मुख्यमंत्री ने सदन में ऑफिशियली बोला कि मेरे लिए भी आश्चर्यजनक है कि ऐसा कैसे हो गया, और राजीव मिश्रा जी उसका खंडन कर रहे हैं कि नहीं गलत कुछ नहीं हुआ, यानी मुख्यमंत्री ने भी गलत बोल दिया। वही अभिषेक जी मैं वही आ रहा हूँ कि मुकेश साहनी जी ने सार्वजनिक तौर पे माफी मांग के यह स्पष्ट कर दिया कि उनके भाई ने गलती की है और इस पे FIR होना चाहिए। दूसरी कि मुख्यमंत्री जी सदन में कह रहे हैं कि मेरे संज्ञान में नहीं है, मुझे अखबार में पता चला है। अभी देखिए अभिषेक जी मुख्यमंत्री जी को इतना बड़ा जघन्य अपराध करता है मंत्री का भाई, और मुख्यमंत्री जी को पता नहीं चलता है। हाँ। इससे स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री अभिषेक जी कहाँ है। अभिषेक जी को इतनी बड़ी बड़ी घटना है अभिषेक नहीं पता चलता है। अभिषेक जी जो उनके अधिकारियों के संरक्षण में होता है मुख्यमंत्री जी को पता नहीं चलता है। मुख्यमंत्री जी मंत्री को बुलाए, मंत्री अपराध सार्वजनिक रूप से खेद व्यक्त किया, कैसे ये आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। लेकिन विरोधी इसको खामखा तूल दे रहे हैं, बीच में अपनी बात रखेंगे, दूसरी की बात सुनेंगे नहीं। तूल दे रहे हैं विरोधी तूल। विवेकानंद जी, विवेकानंद पासवान जी एक मिनट रुकिए, विवेकानंद जी एक मिनट रुकिए, आप बात दबा दीजिए। मैं सभी साथियों को सुना, मैं चुप था। अभिषेक मैं स्पष्ट शब्दों में कहा, अभिषेक जी की श्रेणी में है। आप नहीं देखे हैं पिछले सरकार को, हमारा सरकार, हमारे सरकार तो इस बात को संज्ञान में लेके मंत्री मंत्री गलती महसूस किया। लेकिन पीछे की स्थिति को देखिए, पीछे की स्थिति को देखिए अभिषेक जी, हत्या हो पिछली सरकार, लूट हो पिछली सरकार, बलात्कार हो पिछली सरकार, किस तरह पत्नी को मुख्यमंत्री बना के सरकार चलाते थे, साला को गुलाम छूट दिया गया था। कभी विवेकानंद जी तर्क दिया करिए, कुतर्क मत किया करिए, तर्क दिया करिए, कुतर्क मत करिए। आप आपकी पार्टी कह रही है कि गलत हुआ, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मुझे भी आश्चर्य लग रहा है कि ऐसा कैसे हो गया, खुद मंत्री खेद प्रकट कर रहे हैं और मंत्री की पार्टी के उपाध्यक्ष बैठे हैं और वो कह रहे हैं कि गलत कुछ नहीं हुआ। लेकिन वो कह रहे हैं कि बात का पतंगड़ बनाया जा रहा है। 16 साल से निकम्मा मुख्यमंत्री है ना, जिसको सेंस नहीं है। मतलब सत्ता में शामिल दो दल कह रहा है कि गलत है, JDU कह रही है गलत है, BJP कह रही है गलत है, लेकिन मंत्री जी भी खेद प्रकट कर रहे हैं और मंत्री जी की पार्टी कह रही है कि बहुत सही, कहीं कुछ गड़बड़ नहीं। मतलब मजाक बना दिया आप लोगों ने, कोई कह रहा है सही, कोई कह रहा है गलत, आप ही की पार्टी में कंफ्यूजन। गलती का हम लोग एहसास नहीं कर सकते, नहीं आता है गलती का एहसास नहीं होता। अभिषेक जी देखिए, राजीव मिश्रा जी जो हैं बिहार के मासूम जनता के साथ बैडमिंटन खेल रहे हैं, उन चीजों को डिफ्लेक्ट कर रहे हैं। इनके जो मंत्री हैं उन्होंने माफीनामा मांगा, इनके जो मुख्यमंत्री हैं बिहार के माननीय मुख्यमंत्री हैं उन्होंने सदन में जो है खेल प्रकट किया। मुझे तो लगता है कि ये पूरा मिलीभगत है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है। मोरल ग्राउंड पे मुकेश साहनी जी का इस्तीफा ले लेना चाहिए, अगर नहीं लेना, अगर इस्तीफा नहीं देते हैं तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपना त्याग पत्र दे देना चाहिए। चलिए ठीक है, बहुत बड़ा ये प्रोसीड्योर लैप्स हुआ है और बिहार की जनता जो है ये सब देख रही है। चलिए हम देखते हैं कि अब मुख्यमंत्री से उन्होंने क्या सफाई दी है, क्या कहा है, ये भी पता चल जाएगा अगले एक दो दिन में कि उन्होंने क्या कहा है। लेकिन फिलहाल उन्होंने खेद प्रकट किया और कहा कि वो आगे से ध्यान रखेंगे ऐसा नहीं हो। बड़ा सवाल यही है कि अगर मंत्री को लगता है कि गलत हुआ है, खेद प्रकट कर रहे हैं, सहयोगी दल BJP को लगता है कि गलत है, JDU को लगता है कि गलत है, तो फिर मंत्री की ही पार्टी के नेता ये कैसे कह रहे हैं कि गलत नहीं है, लोगों ने बेवजह का बखेड़ा कर रखा है। चलिए ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बात बेबाक में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।